बने आलिशान चार मंजिले हेडक्वार्टर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकार्पण किया। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में बने चार मंजिले हेडक्वार्टर में संचार के अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव में तैयार करने के लिए हर सुविधा है। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि देश भर में बीजेपी की कुल 700 कार्यालय बनने हैं, जिनमें 400 बन चुके हैं। बीजेपी के कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए संस्कार शाला है। मंच से संबोधन के दौरान पूर्ववर्ती सरकारों को घेरते हुए उन्होंने बताया कि पूर्व की राष्ट्रीय पार्टियां अब क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी है और बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी से सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जो अब परिवार का रूप ले चुकी है। वर्तमान बीजेपी को सरकार ने देश के विकास के लिए चुना है। आज देश और बीजेपी शासित राज्य देश को तेजी से विकास की ओर ले जा रहे हैं। योगी सरकार भारत सरकार की ओर से सभी योजनाओं के सफलतापूर्वक प्रदेश भर में लागू कर रही है। बीजेपी की सरकार आई, उस समय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री बने, हर जगह अंत्योदय का काम शुरू हुआ। क्या था अंत्योदय? अंतिम आदमी का विकास, अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास। किसी भी सामाजिक वर्ग से हो, गरीब गरीब होता है, उसको विकास के लिए आगे लाना होता है। अंत्योदय को उन्होंने आगे बढ़ाया और वो अंत्योदय लेकर के हम आगे बढ़े। बाद में अटल जी की सरकार आई, हम लोगों ने उसको अंत्योदय को अंत्योदय अन्न योजना के रूप में आगे बढ़ाया। और जब मोदी जी आए तो उन्होंने उसको सरल करके नया जो हम लोगों को मंत्र के रूप में बताया वो था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।